गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ माँ परमेश्वरी कोचिंग क्लासेस की ओर से CG ओपन स्कूल मार्च असाइनमेंट क्लास 12th इकोनॉमिक्स। इसमें हम देखेंगे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्या और किस प्रकार उत्पादन किया जाए की समस्याओं को समझाइए। डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट एंड हाउ टू प्रोडक्ट, उत्पादन की तकनीक का चयन, कैसे उत्पादन किया जाए की समस्या से जुड़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि उत्पादन की तकनीक का अर्थ क्या होता है, कि हम किसी वस्तु का उत्पादन करेंगे तो कौन से तकनीक का यूज़ करेंगे, क्योंकि एक ही चीज़ों को उत्पादन करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स हमारे पास अवेलेबल होती है, विभिन्न सारे संयोग होते हैं, तो हमको उनमें से क्या करना पड़ता है, चूज़ करना पड़ता है कि हम कौन से तकनीक का यूज़ करेंगे। हो सकता है हम मशीन को ज़्यादा यूज़ करेंगे या हम लेबर पावर का ज़्यादा यूज़ करेंगे, ये चीज़ें होती है इसमें। फिर है चूजिंग द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन रिलेट्स टू द प्रॉब्लम्स ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस बाय टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। वी मीन द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स टू प्रोडक्शन दैट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस ऑफ अ गुड। जनरली ऑल गुड्स कैन बी प्रोड्यूस थ्रू डिफरेंट मैथड्स ऑफ प्रोडक्शन। वेरियस मैथड्स ऑफ अ प्रोडक्शन रिक्वायर डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। टेक्निक ऑफ प्रॉब्लम कुड बी आइदर लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस वैन मोर यूनिट्स लेबर आर यूज इन अ प्रपोर्शन टू कैपिटल, इट इज टर्म एज अ लेबर इंटेंसिव टेक्निक। अल्टरनेटली वैन द प्रपोर्शन ऑफ कैपिटल यूज इज मोर दैन लेबर, द प्रोडक्शन प्रोसेस इज कॉल्ड अ कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक। फिर एक्सप्लेन द लॉज ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। मांग के नियम को तालिका एवं रेखा चित्र द्वारा समझाइए। अब देखिए जो आपका डिमांड होता है वो प्राइस, ये दोनों का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है आपका। तो देखिए जैसे हमारा प्राइस 1 है तो हमारा डिमांड 10 है, देखो प्राइस कम है तो हमारी डिमांड ज़्यादा है। फिर जैसे जैसे आपका प्राइस इंक्रीज होते जा रहा है, देखो 2 है तो आपकी डिमांड 8 है, तो क्या होता है प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड जो है कम हो जाती है। तो इस टेबल में देखो जब आपका प्राइस 1 है तो डिमांड कितना है 10, क्वांटिटी 10 दिखा रहा है डिमांड, है ना, ये क्या है। फिर ऐसे आप डायग्राम को बना लोगे, फिर ये आप उसमें एक डिमांड कर्व आपका बन जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग मांग रेखा, ठीक। फिर है डिस्टिन्यूस बिटवीन फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट विद सुटेबल एग्जांपल। स्थिर लागत तथा परिवर्ती लागत में उपयुक्त तो उदाहरणों से भेद कीजिए। अब देखो फिक्स कॉस्ट वे होती है जो क्या होता है, जो उत्पादन की मात्रा के साथ अल्पकाल में परिवर्तित नहीं होती है। वे क्या होती है, किसी उत्पादन की अवधि में पूरी अवधि में वैसी ही रहती है, चाहे उत्पादन हम करें चाहे शून्य हो चाहे अधिक हो चाहे ना हो। ये लागतें जो होती है स्थिर प्रकृति की होती है। जैसे आपको एग्जांपल दिया हुआ है, मान लीजिए उत्पादक द्वारा फैक्ट्री के भवन का भुगतान किया गया लगान 1000 रुपये प्रतिमा, हम चाहे उत्पादन करें या ना करें हमको 1000 रुपये प्रतिमा उनको देना पड़ेगा। फिक्स कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच डू नॉट चेंज विद एनी चेंजेस इन क्वान्टिटी ऑफ प्रोडक्शन साइज ऑफ आउटपुट ड्यूरिंग पीरियड, दे रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द होल पीरियड एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट, वेदर द प्रोडक्शन इज जीरो और लेस और मोर देन आर कॉस्ट फिक्स इन नेचर। फिक्स कॉज आर ऑल्सो नोन एज सप्लीमेंट्री कॉस्ट, लेट द रेंट ऑफ अ फैक्ट्री बिल्डिंग पेड बाई द प्रोड्यूसर इज 1000 पर मंथ, वेदर द प्रोड्यूसर प्रोड्यूस द आउटपुट और नॉट शी हैज़ टू पे द रेंट आफ्टर हायरिंग द बिल्डिंग। परिवर्ती लागतें वे लागतें होती हैं जो उत्पादन की मात्रा के साथ क्या होती है, परिवर्तित होती हैं, वे स्थिर नहीं रहती है। यदि उत्पादन ज़्यादा होता है तो स्थिर परिवर्तित लागतें बढ़ती हैं और कम होता है तो कम होती है। ये क्या होती है, उत्पादन की मात्रा के साथ घटती बढ़ती है, इसे हम लोग प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं, मुख्य लागत। फिर देखिए वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच वेरी विद द चेंज इन द क्वान्टिटी ऑफ आउटपुट और प्रोडक्शन, दे डू नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट आर वेरिएबल इन नेचर, दे आर कॉस्ट इंक्रीज द इंक्रीज आउटपुट एंड डिक्रीज विद अ डिक्रीज इन आउटपुट, दिस कॉस्ट आर रिलेटेड टू वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दे आर ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट। फिर है एक्सप्लेन स्टेट एंड इफोर्ड डिटर्मिनेट्स ऑफ सप्लाई, आपूर्ति निर्धारक घटक को समझाइए। सबसे पहला है द प्राइज ऑफ द कॉमोडिटी, वस्तु की कीमत। अब वस्तु की कीमत भी क्या करती है, उसके सप्लाई को इफेक्ट करती है। अगर किसी वस्तु का प्राइस बढ़ता है तो उस वस्तुओं की सप्लाई अधिक की जाती है और प्राइस कम होने पर उसकी सप्लाई कम की जाती है, है ना। यह है प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, द क्वांटिटी सप्लाइड कॉमोडिटी इंक्रीज विद द राइज ऑफ प्राइस एंड डिक्रीज विद फॉल इन प्राइस इन द कॉमोडिटी ऑफ द कॉमोडिटी, मोर क्वांटिटी ऑफ अ कॉमोडिटी सप्लाइड एट हायर प्राइस एंड लेस क्वांटिटी सप्लाइड एट अ लोअर प्राइस। अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमत, देखो किसी वस्तु की आपूर्ति को संबंधित वस्तुओं की कीमत पर भी निर्भर करती है।
साधनों की सहायता, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें हैं ना, तकनीक ज्ञान से। अब देखो, प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स, सप्लाई ऑफ अ कॉमोडिटी इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाई चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स। विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज वी कैन प्रोड्यूस सेवरल गुड्स बाई यूजिंग द सेम टेक्नोलॉजी। दिस हेल्प्स द फर्म टू डाइवर्सिटी एंड टाइड ओवर फ्लक्चुएशंस एंड डिमांड। आए साधनों की कीमत, आगतों जैसे देखो रॉ मटेरियल, वेजेस, इंटरेस्ट, ये सारी कीमत, ये सारी चीज़ें भी क्या होती है, वस्तु की कीमत को प्रभावित करती है। फिर है आपका प्राइस इनपुट्स फैक्टर्स चेंज इन द प्राइस ऑफ इफ यूनिट्स लाइक रॉ मटेरियल, वेजेस, रेंट और इंटरेस्ट आल्सो इन्फ्लुएंस द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। फॉर एग्जांपल इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ, कॉटन इज द मेन रॉ मटेरियल। फिर है उत्पादन की तकनीक, उत्पादन की तकनीक में जो सुधार होता है उससे क्या होता है, प्रति इकाई लागत कम आती है, जिससे वस्तुओं का उत्पादन और हमारा मार्जिनल प्रॉफिट है वो भी बढ़ता है ना, इफेक्ट होता है। टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन एंड इंप्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी डिक्रीज द पर यूनिट कॉस्ट द कमोडिटी, द मार्जिन ऑफ प्रॉफिट विल इंक्रीज द सेम प्राइस। एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंट कर्व, इंडिफरेंस कर्व, अनधिमान वक्रों के गुण। सबसे पहला, इंडिफरेंट कर्व आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। अनधिमान वक्र प्रतिस्थापन की घटती हुई सीमान दर के कारण क्या होता है, मूल बिंदु की ओर हमेशा उन्नोत्तर होते हैं। फिर है अनधिमान वक्र नीचों की ओर ढालू होता है। जब एक उपभोक्ता एक वस्तु की मात्रा का उपभोग करता है, एक वस्तु की अधिक मात्रा का उपभोग करता है, तो उसे क्या होता है, दूसरी वस्तु की कम मात्रा की जरूरत पड़ती है। यह अनधिमान वक्र जो होता है एक वस्तु के संयोग को दिखाता है ताकि कुल उपयोगिता जो है वो समान रहे। इनडिफरेंस कर्व स्लोप डाउन इट लिमिट इट इम्प्लीज दैट अ कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर देन वन गुड्स, ही मस्ट कंज्यूम लेस क्वान्टिटी ऑफ अदर गुड्स सो दैट द टोटल क्वालिटी टोटल यूटिलिटी रिमेंस द सेम। फिर है हायर डिफरेंसेस कर रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, जो उच्च अनधिमान वक्र की संतुष्टि ऊंचे स्तर का प्रतिनिधित्व करती है। फिर देखो, ये डायग्राम देख लोगे आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। फिर है अनधिमान वक्र एक दूसरे को कभी काट नहीं सकते, इनडिफरेंसेस कर कैन नेवर नेवर इंटरसेक्ट। थैंक यू।